बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अगस्त में ईपीएफओ से जुड़े 17 लाख सदस्य जॉब बढ़ने का संकेत, करीब 9.26 लाख नए सदस्यों ने किया नामांकन। 231.62 अंक नीचे गिरा सेंसेक्स, 3 सत्रों में टूट चुका है 1030 अंक। विदेशी बाजारों में मजबूत संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमत 750 रुपए बढ़कर 61,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले कारोबार में कीमती धातु 60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी 500 रुपए उछलकर 74,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही है और बीएसई सेंसेक्स 231 अंक से अधिक नुकसान में रहा। अमेरिकी ब्रांड प्रतिफल में मजबूती के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ने भी निवेशकों की धारणा को कमजोर किया। अमेरिकी ब्रांड प्रतिफल 2007 के बाद पहली बार 5% के करीब है। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 231.62 अंक यानी 0.35% गिरकर 65,397.62 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 320.63 अंक तक लुढ़क गया था। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ निफ्टी 82.05 अंक यानी 0.42% गिरकर 19,542.65 पर बंद हुआ। शुक्रवार तक पिछले 3 सत्रों में सेंसेक्स कुल 1030 अंक टूटा है, जबकि निफ्टी 268 अंक नीचे आया है। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 14,000 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है। निकाले जाने वाले कर्मचारी कंपनी के कुल कार्यबल का 16% है। तीसरे तिमाही की बिक्री तथा मुनाफे में गिरावट के बाद लागत कम करने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। इस कदम से कंपनी के कर्मचारियों की संख्या घटकर 72,000 और 77,000 के बीच रह जाएगी, जो अभी 86,000 है। बता दें कि कंपनी का वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर चलता है। कंपनी ने कहा कि इस कदम का मकसद बाजार की मौजूदा अनिश्चितता से निपटने के लिए उसके लागत आधार को कम करना और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। नोकिया के अनुसार कंपनी का मकसद 2026 के अंत तक अपने लागत आधार में 80 करोड़ यूरो यानी 843 अरब डॉलर से 1.2 अरब यूरो के बीच कमी लाना है। राजस्व के हिसाब से कंपनी की सबसे बड़ी इकाई मोबाइल नेटवर्क कारोबार की आमदनी 24% घटकर 2.16 अरब यूरो रह गई। इस इकाई के परिचालन लाभ में 64% की गिरावट आई है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक को जुलाई सितंबर तिमाही में 1,729 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। ये बीते वित्त वर्ष सितंबर तिमाही में हुई 2,680 करोड़ रुपए के मुनाफे से 35.5% कम है। बीती तिमाही कंपनी की आईपी 18.5% घटकर 6,792 करोड़ रुपए रह गई। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 8,336 करोड़ रुपए की आय हुई थी। सितंबर तिमाही में हिंदुस्तान जिंक की इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन भी 29% घटकर 3,139 करोड़ रुपए रह गई। हिंदुस्तान जिंक के सीएफओ संदीप मोती ने कहा कि हमने लगातार तीसरी तिमाही लागत घटाई है, आगामी तिमाहियों में इसका असर दिखेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अगस्त में 16.99 लाख नए सदस्य जोड़े। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान करीब 9.26 लाख नए सदस्यों ने नामांकन किया है। नियमित वेतन पर नौकरी पाने वालों को लेकर शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में कुल 3,210 प्रतिष्ठानों ने अपना पहला ECR इलेक्ट्रॉनिक चलान सह रिटर्न जमा करके कर्मचारियों को ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया। श्रम मंत्रालय ने कहा कि अगस्त 2022 के मुकाबले इस साल शुद्ध रूप से सदस्यों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ईपीएफओ में शामिल होने वाले 18 से 25 वर्ष के युवाओं की हिस्सेदारी कुल नए सदस्यों का 58.36% है। 11.88 लाख सदस्य जो बाहर चले गए थे वे फिर से ईपीएफओ में शामिल हो गए। खबर समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अगस्त में ईपीएफओ से जुड़े 17 लाख सदस्य जॉब बढ़ने का संकेत, करीब 9.26 लाख नए सदस्यों ने किया नामांकन। 231.62 अंक नीचे गिरा सेंसेक्स, 3 सत्रों में टूट चुका है 1030 अंक।
बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इनबिज न्यूज। नमस्कार।